नमस्कार, आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। दो राज्यों में आज मतदान खत्म हो गया, यानी चुनावी जो तैयारियां बहुत दिनों से चल रही थी अब वो रुझानों पे आके टिक गई। अब रुझानों की बारी है और पार्टियों में सरकार बनाने की तैयारी है। इन दो राज्यों में किसकी सरकार बनेगी, चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपको हम एग्जिट पोल पे लेके चलते हैं कि आखिर एग्जिट पोल में किसकी बढ़त है, किसकी सरकार बन रही है जम्मू कश्मीर और हरियाणा में। तो आपको हम पहले जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और या जो बड़े बड़े चैनल हैं उनके एग्जिट पोल को दिखा रहे हैं। ये एग्जिट पोल है और एग्जिट पोल न मत समझिएगा, क्योंकि एग्जिट पोल और एग्जिट पोल में अंतर होता है। तो खैर, इंडिया टुडे से शुरू करते हैं, जो जम्मू और कश्मीर में किसको कितनी सीटें दे रही है, यानी किसकी बढ़त है, किसकी सरकार बन रही है। इंडिया टुडे में जम्मू कश्मीर में 90 सीट है और 90 में से एनसी प्लस यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस कांग्रेस को 40 से 48 सीटें मिल रही है, बीजेपी को 27 से 32 सीटें मिल रही है, पीडीपी को 6 से 12 सीटें मिल रही है और अदर को 6 से 11 सीटें मिल रही है। वहीं टाइम्स नाउ के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस प्लस एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस को 46 से 50 सीटें और बीजेपी को 23 से 27 सीटें और बाकी पीडीपी और अदर हैं जो 7 से 11 और अदर यानी जो निर्दलीय भी होते हैं या छोटी छोटी पार्टियां होती है उनको 4 सीटें मिल रही है। ये दो बड़े चैनल हैं। उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स की अब गर्म बात कर ले तो उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके बाद में जो बाकी अदर पार्टी है एनसी, उसमें भी कांग्रेस की बढ़त है। अब चलिए अब आपको हमको ले आप आपको लेके चलते हैं हरियाणा में, यानी हरियाणा सबसे मजेदार ये राज्य है चुनाव के मद्देनजर आप देखेंगे तो, क्योंकि तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में थे और पूरी तरीके से जनता को रिझाने के लिए बड़े बड़े वादे किए हैं। अब उन वादों का क्या असर है ये हम आपको बताते हैं। और एग्जिट पोल में पोल्स ऑफ पोल्स यानी हरियाणा की बात कर रहे हैं, इसमें कई अलग अलग संगठन है या संस्थाएं हैं जो अपना अपना एग्जिट पोल यहाँ पे सामने लाई है, कि जिसमें ध्रुव रिसर्च के अकॉर्डिंग एनडीए यानी भाजपा प्लस अदर पार्टी को 27 सीटें मिली है, इंडिया गठबंधन को यानी कांग्रेस प्लस इन अदर पार्टीज को 57 सीटें मिल रही है, उसके बाद अन्य निर्दलीय या छोटी मोटी जो पार्टियां हैं उनको 6 सीटें मिल रही है, सीएनएन 24 यानी बीजेपी को 21 सीटें और कांग्रेस को 59 सीटें और बाकी अन्य को 10 सीटें, रिपब्लिक मैट्रिक्स को अकॉर्डिंग आप बीजेपी को 18 से 24 और उसके बाद इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को 55 से 62 सीटें मिल रही है, बाकी अन्य को 2 से 5 सीटें मिल रही है। पीपुल्स प्लस यानी ये संस्थान बीजेपी को 20 से 32 सीट और कांग्रेस को 49 से 61 सीट और बाकी अन्य को 0 से 5 सीटें। और डेटा अंश रेड माइक के अकॉर्डिंग बीजेपी को 20 से 25, उसके बाद में कांग्रेस को 50 से 55 और बाकी अन्य को 0 से 4 सीटें। इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया इसके अकॉर्डिंग बीजेपी को 21 और बाकी कांग्रेस प्लस अन्य पार्टी जो गठबंधन में होगी उनको 59 सीटें और बाकी अन्य जो छोटी मोटी पार्टी है उनको 26 सीटें इंडिया टुडे एक्सिस माय के सर्वे के अकॉर्डिंग है। उसके बाद अब आ जाते हैं जिस न्यूज़पेपर की कटिंग हम आपके को दिखा रहे हैं, भास्कर। तो भास्कर के अकॉर्डिंग आप देखेंगे रिपोर्टर्स पोल, यानी रिपोर्टर्स पोल वो होते हैं जो वहां पे ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बातचीत कर एक अनुमानित आंकड़ा निकाला जाता है। तो भास्कर रिपोर्टर्स पोल के अकॉर्डिंग 90 सीटों में से 44 से 54 सीटें कांग्रेस के खाते में, बाकी 19 से 29 सीटें बीजेपी के खाते में, इनेलो प्लस बसपा को 1 से 5 सीटें और निर्दलीय 4 से 9 सीटें। उसके बाद टाइम्स नाउ मैट्रिक्स ओपिनियन पोल आपको बताया कि भाजपा को 37 से 42 सीटें, उसके बाद कांग्रेस को 33 से 38 सीटें, जेजेपी को 3 से 8 और अन्य को 7 से 12 सीटें। अब देखिए इन आंकड़ों को कि 2024 की हम बात करें और 2019 में
बीजेपी गठबंधन में आके गठबंधन करके जेजेपी के साथ सरकार बनाती है, लेकिन उन आंकड़ों में और अभी के आंकड़ों में आप अंतर देखेंगे, क्योंकि उस समय बीजेपी को 40 सीटें प्राप्त थी, 40 सीटों पे जीत हासिल हुई थी, जिसमें 46 सीटों की जरूरत होती है सरकार बनाने के लिए हरियाणा में, तो बाकी 10 जो विधायक थे जेजेपी के थे, यानी दुष्यंत चौटाला उस समय उप मुख्यमंत्री बनते हैं और गठबंधन में जाके बीजेपी सरकार बनाती है कुछ दिन। उस समय खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री होते हैं 2019 में, जब बीजेपी जीतती है और जेजेपी के समर्थन से सरकार बनती है, फिर उसके बाद खट्टर को हटा दिया जाता है, खट्टर लोकसभा चुनाव का लड़ते हैं और उसके बाद वो सांसद बन के दिल्ली आ जाते हैं, नायब सिंह सैनी को लाया जाता है, लेकिन उसका असर कितना होगा या कितना हुआ ये आने वाले उस चुनाव परिणाम पे निर्भर करते हैं। लेकिन खैर आपको हम बता दें 2019 में जब सरकार बनी थी तो उस समय के आंकड़े क्या थे वो भी हम आपको बताते हैं। टाइम्स नाउ के अकॉर्डिंग भाजपा को 71 सीटें दी गई थी, जिसमें से आप देखेंगे तो 40 सीटों पे भाजपा सिमट गई थी। कांग्रेस को 11 सीट दी गई थी, जिसमें आप देखेंगे तो कांग्रेस की सीटों में बढ़त हुई थी, यानी 31 सीटें हासिल हुई थी, उसके बाद अन्य 8 सीटें, उसके बाद जन की बात के अकॉर्डिंग भाजपा को 57 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 17 और अन्य को 16, जो एकदम विपरीत, इसके उलट जो भी एग्जिट पोल आए थे या एग्जिट सीट आए थे वो अलग थे। उसके बाद न्यूज एक्स भाजपा को 77 सीटें, कांग्रेस को 11 और अन्य को 2। TV9 भारतवर्ष के अकॉर्डिंग भाजपा को 47 सीटें, कांग्रेस को 23 और अन्य को 20 सीटें। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के अकॉर्डिंग भाजपा को 38, ये लगभग लगभग उसके आसपास है, क्योंकि 40 सीटें मिली थी तो 38 सीटें भाजपा को इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया ने दिया था, और कांग्रेस को 36, जिसमें से 36 में 31 सीटें मिली थी, उसके बाद अन्य 16। तो ये रहा, और लोकसभा पे भी एक बार हम नजर डाल लें, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में लोकसभा का चुनाव हुआ है और ये कह सकते हैं कि लोकसभा के चुनाव के बाद जिन राज्यों में अगर चुनाव होते हैं वो सप्लीमेंट्री एग्जाम भी हो सकते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्री के तौर पर आप देख सकते हैं कि कई बार होता है कि एग्जाम में आप बैठते हैं, किसी पेपर में प्रॉक्सी लग जाए या फिर बैक लग जाता है तो फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम देते हैं, तो ये दो राज्यों में आप सप्लीमेंट्री के तौर पे देख सकते हैं। और आगामी विधानसभा चुनाव की नजर अगर करें हम तो उसके लिए आप सेमीफाइनल देख सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में, झारखंड में, बिहार में, दिल्ली में आगामी आने वाले समय में यहाँ पे भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो लोकसभा के चुनाव की बात कर रहा था, लोकसभा चुनाव में 10 सीटों में से बीजेपी को महज 5 सीटें मिली थी और 5 सीटों पे ही सिमटना पड़ा, और उसके बाद में 5 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। तो ये रहे आंकड़े अमूमन जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और उसके बाद अब आते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ, रुक करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद बड़े बड़े वादे किए गए थे अमित शाह की। आप भाषा शैली अगर देखेंगे तो उनके तेवर में भी बहुत बदलाव आए थे, क्योंकि वहां पे मुसलमानों को लेकर, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश है तो इसलिए बड़े बड़े वादे किए गए थे। तो क्या उन वादों का असर कुछ दिख रहा है, तो आपको हम आंकड़े बताते हैं एग्जिट पोल के। भास्कर रिपोर्टर्स पोल, यानी दैनिक भास्कर का एक रिपोर्टर्स पोल है, उसके अकॉर्डिंग एनसी प्लस कांग्रेस यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस कांग्रेस को 35 से 40 सीटें, भाजपा को 20 से 25 सीटें, पीडीपी को 4 से 7 और निर्दलीय 9 से 12। उसके बाद लोक पोल ओपिनियन सर्वे के अकॉर्डिंग कांग्रेस प्लस एनसी 51 से 56 सीटें, भाजपा को 23 से 36, पीडीपी को 4 से 8, अन्य को 303 से 7 सीटें। पोल्स ऑफ पोल्स जम्मू कश्मीर, इसमें 90 सीटों में रिपब्लिक्स भारत मैट्रिक्स में 25 सीटें भाजपा प्लस अन्य पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस उसके बाद कांग्रेस 27 सीटें, पीडीपी 28, अन्य को 7 सीटें। इसमें थोड़ा सा आप आंकड़े देखेंगे तो कांग्रेस का आप सीट जो है एग्जिट पोल है वो कम थोड़े से नजर आ रहे हैं। पीपुल्स प्लस में 23 से 27 बीजेपी को, 46 से 50 कांग्रेस प्लस एनसी को और 7 से 11 सीटें पीडीपी को और अन्य को 4 से 6 सीटें। फिर 2024 और एक बार लोकसभा चुनाव पे भी हम नजर डाल लें, क्योंकि 2024 में ही अभी लोकसभा चुनाव भी हुए थे, जम्मू कश्मीर में क्या रिजल्ट रहा वो भी हम आपको बता दें। भाजपा को 2 सीट, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 सीट, पीडीपी 0, कांग्रेस 0, अन्य 1, यानी
ये आंकड़े लोकसभा चुनाव के हैं जो हम आपको बता रहे हैं और या स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे जो शेयर किया गया। अब चलिए 2014 में जब चुनाव हुए थे, क्योंकि 2014 के बाद से काफी चीजें वहां बदली है, 2019 में भी वहां काफी बदलाव हुए और एक लंबे समय के बाद में, एक लंबे अंतराल के बाद में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ है, तो जनता में कितना जोश है और उन आंकड़ों में और अभी के आंकड़ों में थोड़ा आप देख लीजिए। पीडीपी उस समय 28 सीटें जीती थी, क्योंकि 90 सीटें हैं अभी मौजूदा, लेकिन 46 सीटों की जरूरत है। और वोट शेयरिंग की अगर बात करेंगे तो 22.67% वोट शेयरिंग है। भाजपा 25 सीटें जीतती थी, यानी दूसरी सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी वहां पे, और वोट शेयरिंग 22.98% है, यानी पीडीपी से भी ज्यादा वोट शेयर अगर देखेंगे तो भाजपा की है। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 सीटें, तीसरी बड़ी पार्टी, इसकी वोट शेयरिंग 20.77% है। कांग्रेस 12 सीटें, यानी चौथे नंबर की पार्टी, नेशनल पार्टी है, उसके बाद भी जम्मू कश्मीर में चौथे नंबर पर रही थी, 18.01% है उस समय। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी 2 सीटें, सीपीआई 0, निर्दलीय 3 और बाकी अन्य 1 सीट। तो ये रहे आपके पास आंकड़े जो हम आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव जब 2014 में हुए थे उस समय एग्जिट पोल भी कुछ ऐसे ही थे। आपको हम बता दें पीडीपी 32 से 38, थोड़े से अंतर है, यानी 32 दी गई थी उस समय, लेकिन 28 सीटें पीडीपी को मिली थी। भाजपा को 27 से 33 सीटें, ये भी बस 27, यानी 2 सीटों का इधर उधर है। तो उसके बाद सी वोटर के सर्वे के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं आपको, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 18 से 14 सीटें थी, कांग्रेस को 4 से 10 सीटें और अन्य को 2 से 8 सीटें। फिर आप एग्जिट माई इंडिया का पोल देखेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि पीडीपी को 36 से 41, भाजपा को 16 से 22 और एनसी को 9 से 13, कांग्रेस को 9 से 13, उसके बाद अन्य को 6 से और 10 के बीच की ये सीटें हैं। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं और बड़े बड़े जो तमाम जो चैनल है उनके भी हमने आपको सर्वे दिखाया, आज तक का सर्वे भी है, उनका भी सर्वे, उसमें भी आप कांग्रेस की बढ़त देख रहे हैं दोनों राज्यों में और दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो खैर, अब आपको चलते चलते ये बता दें कि एग्जिट पोल और एग्जिट पोल में अंतर होता है, वो 10 सीटों का है, 10 2 सीटों का हो, लेकिन होता है। तो आप इंतजार कीजिए उस दिन का जिस दिन परिणाम आएंगे, क्योंकि लगभग लगभग आप देखेंगे तो इस बार के जो चुनावी समर था या चुनावी तैयारी थी तमाम पार्टियों के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण रही है और तमाम पार्टियों ने जीतने की वहां पर सरकार बनाने की कोशिश कर ही रही है और अपने अपने वादों से जनता को भी रिझाया है, बताया है कि हमारी सरकार बनती है तो हम ये करेंगे वो करेंगे। तो आप 8 अक्टूबर का इंतजार कीजिए और 8 अक्टूबर को देखिए कि एग्जिट पोल की कितना होता है, एग्जिट पोल में किसको कितनी बढ़त, कितनी सीटें मिलती है या फिर इस बार भी गठजोड़ से सरकार बनानी पड़ेगी। तो खैर, बने रहिए आप हमारे साथ, जो भी अपडेट होगा आपके साथ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।